सतना समाज सेवी शंभू चरण दुबे नेतृत्व में सतना के अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था लायंस क्लब सतना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब विंध्य, लायंस क्लब सतना संकल्प, लायंस क्लब सतना गोल्ड, यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतना इकाई, रोट्रैक्ट क्लब, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन सहित 10 सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के तत्वाधान में विगत दिवस तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री रियाज इकबाल का विदाई समारोह लायंस रोटरी क्लब भवन में शंभू चरण दुबे के संयोजक से संपन्न हुआ। पीआरओ लाइन आशीष मंगनानी के अनुसार समारोह का आरम्भ लायंस अध्यक्ष लायन राम अवतार त्रिपाठी द्वारा सभा आरम्भ की घोषणा से हुआ। रियाज इकबाल ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में लायंस रोटरी समेत आयोजक संस्थाओं की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए कहा कि मेरे सेवा काल में मेरे सम्मान में ऐसा विदाई समारोह आज तक नहीं देखा, ये पल मेरे लिए अविस्मरणीय है। लायंस अध्यक्ष लायन राम अवतार त्रिपाठी, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू चरण दुबे, रोटरी क्लब से मनोहर दिगवानी, हरिओम गुप्ता, लायंस क्लब विंध्य अध्यक्ष मीना अग्रवाल, लायंस क्लब संकल्प अध्यक्ष अनिता शर्मा, लायंस क्लब सतना गोल्ड अध्यक्ष रीता त्रिपाठी, यूथ हॉस्टल्स अध्यक्ष कुलदीपक ओबेरॉय, लियो क्लब अध्यक्ष शिवम तिवारी, रोट्रैक्ट क्लब अध्यक्ष शिवम भारती, ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन अध्यक्ष मंजुषा शाह ने रियाज इकबाल जी का पुष्पहारों और शॉल श्रीफल से सम्मान किया। नमस्ते सभी, शायद पहला जिला है जहां पर मेरा फोर्थ डिस्ट्रिक्ट है। पहले पन्ना के एसपी थे, सिंगरौली में एसपी थे, मुरैना में थे और इसके बाद फिर मेरा यहाँ पे सतना से आना हुआ। पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम मिला है। अगले जगह ज्वाइनिंग के लिए हम लोगों को 12 दिन का टाइम मिलता है, वो पूरा लेने का टाइम मिला है। तो मैं भी आज बांधवगढ़ गए थे सुबह अपनी अभी जस्ट लौट गया परिवार के साथ में। सतना में करीब 19-20 महीना में रहा, पूरा आसपास की जगह देखने का टाइम नहीं मिला। मैं थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने बहुत दिल से बात की है, तो मैं भी थोड़ा आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो सतना से पहले क्या था, सतना में क्या हुआ था और सतना के आगे क्या होगी। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत जगह पे हम लोग पहले 6-7 महीने में एक्टिव था, बट स्कूल कॉलेज से ज़्यादा जाते थे, गाँव में ज़्यादा जाते थे। फिर जब फिर कोविड आ ही गया, 8 महीने लगातार कोविड का जो महामारी है वो हम लोग को सबको परेशान कर रहा है, तो बहुत मंच नहीं मिला जहाँ पे लोगों के साथ में ज़्यादा बात कर पाए। मैं केरल में मेरा जन्म हुआ है और मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, उसके साथ मेरी 5 साल मैंने काम किया है माइक्रोसॉफ्ट करके कंपनी, आप मैं किसी ने सुना हो तो माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 5 साल काम किया है। उसके बाद मेरे पिताजी की इच्छा थी कि सर्विस में है, मुझे बिल्कुल नफरत था राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से, मुझे बिल्कुल नफरत था कि इस चीज़ में व्यवस्थाएँ नहीं है, हमको प्राइवेट नौकरी करना है, अच्छे पैसे कमाना है। तो उस समय मुझे जो 2010 में मैंने नौकरी छोड़ी थी, उस समय जो तनख्वाह मिल रहा है उसका 1/3 आज भी नहीं मिल रहा है। ये अलग बात है क्योंकि मेरे पिताजी का विश था, तो मैंने माना। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लिए कर दी, तो मुझे भी लगा कि पिताजी के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने पहली बार नौकरी के साथ एग्ज़ाम लिखा और मुझे मिल गया। और मैं भोपाल में 3 साल रहा, प्रोफेशनल और एडिशनल CSP सब मैं भोपाल में था। ग्वालियर में 1 साल कमांडेंट रहा, 2 साल करीब पन्ना के SP रहे, 1 साल सिंगरौली में रहा। हर जगह कोई ना कोई कहानी है, ये ऐसा नहीं कि पहला जिला हो जहाँ साथ मेरे साथ मुझे हटाया जा रहा है या कोई घटना हो रहा है। करीब यहाँ करीब 19 महीना है और 19 महीना सब लोगों को कम लगता है, 1.5 साल के जस्ट ऊपर हुआ है, पर पिछले 40 साल में सतना में सबसे लंबे काल में रहने वाले तीसरे SP बन गया है। यहाँ पे ज़्यादातर अधिकारी ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं, उसका अलग अलग कारण है, चाहे राजनीति हो चाहे यहाँ का क्राइम का रेट जो है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, पर सतना, रीवा, भिंड, मुरैना कुछ जिले ऐसे हैं जो थोड़ा पुलिस के हिसाब से हम लोग आपस में बात करते हैं तो चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट बोले जाते हैं। सतना में क्राइम होते हैं, जैसे आपने चित्रकूट का बच्चों का अपहरण ठिकाण सुना होगा, जो चीज़ हम सोच नहीं सकते ऐसे अपराध यहाँ पे होते हैं। उसका अलग अलग कारण है, हिस्टोरिकल और पोलिटिकल बहुत सारे कारण हैं।
मैं मुरैना में सिर्फ 2 महीने के लिए था, वहाँ पे एक विधायक जी और उनके बेटे के ऊपर एफआईआर किए थे, तो 2 महीने के बाद मुझे हटाया था। उस समय मेरे वाइफ पर प्रेगनेंट थे, दूसरे बच्चे को तैयारी कर रहे थे, तो मैं भोपाल गया और भोपाल में डीजी साहब को बोला कि सर जैसे भी जैसे आ गया ट्रांसफर होकर आ गया, अब कहीं नहीं भेजना, बच्चे का डिलीवरी होने तो एक साल में भोपाल में रहना चाहता हूँ। उसके 4 दिन के बाद चुनाव आयोग ने मेरा सत्ता में घोषित कर लिया। तो कुछ लोग मजाक में भी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी बोलने लगे, मुरैना भी बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट था, बोले आपको हाथ से निकाल कर तेल में डाल रहे हैं। तो पर मैं जब यहाँ आए, मैं पढ़ना के एस पी रहा, सत्ता को मैंने बहुत करीब से देखा है, कड़ाई होते हैं, पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जो इस शहर में, क्योंकि मैं 8 जगह काम कर चुका हूँ, मध्यप्रदेश में 7-8 जगह काम कर चुका हूँ, यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, यहाँ पर मैंने देखा है चाहे यहाँ का व्यापारियों का संगठन हो, चेम्बर हो, या कुछ स्कूल है, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एनजीओज हो, यहाँ के मीडिया वालों को देखा, यहाँ पे एक बहुत 60-70% अच्छे लोग हैं जो अच्छे एक सिविल सोसाइटी, अच्छे सिटी बनाना चाहता है, सही चीज के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। क्लब भी बहुत जगह पर मैंने देखा, एसोसिएशन, चाहे व्यापारियों का एसोसिएशन हो या रोटरी क्लब हो, लाइन्स क्लब हो, बहुत जगह पर बहुत एक्टिव नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा लोगों का कोशिश रहता है कि चाहे कोविड के टाइम में हो या अन्य कोई टाइम में, लोग बहुत